तो देखो गाइस, अगर आप रियलमी का कोई स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं या फिर खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में आप चेक किए होंगे तो सारे मोबाइल जो है आउट ऑफ स्टॉक में है। रियलमी 6, 6 प्रो, 5, 5S, 5i, रियलमी C3, रियलमी नार्जो 10, नार्जो 10, ये सारे मोबाइल जो है आउट ऑफ स्टॉक में है। और आज रियलमी का एक नया स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है, रियलमी नार्जो 10, उसका फ्लैश सेल हुआ है, तो वो भी मैं चेक किया। ज़्यादातर जो है मैं विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आप रियलमी का स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है और क्या रियलमी स्टोर में मोबाइल अवेलेबल है कि नहीं, सारे चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्नो की तरफ से नया स्मार्टफोन आ रहा है, टेक्नो स्पार्क पावर 2, और इस फोन को फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग कर दिया गया है और वीडियो जो है चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो चेकआउट कर लेना। और अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैं रियलमी का मेजर प्रॉब्लम के बारे में एक वीडियो बताया था, जिसमें मैं कहा था कि रियलमी का सारे मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक क्यों है और ये मेजर प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक जो है सारे मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक में रहेगा, और वही अभी तक भी हो रहा है। जितना सारा फ्लैश सेल हो रहा है या फिर सेल हो रहा है, सारे मोबाइल जो है ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कुछ सेकेंड में ही, तो हमें मोबाइल नहीं मिलता है। और आज जो सेल हुआ रियलमी नार्जो 10 का, उसको भी मैं विथ प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर आगे चल के बात करता हूँ। तो गाइस, टाइम हो गया है 11:59:50, 10 सेकंड रह गया 12 बजने में। अब चेक कर लेते हैं, आज तो सेल होने वाला है रियलमी नार्जो 10 का, तो अभी तक तो है वही नोटिफाइड में ही दिखा रहा है। तो बाय नाउ का ऑप्शन तो मिल गया है, अभी बाय नाउ को मैं क्लिक कर दिया हूँ और प्रोसेस हो रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है पता नहीं सर्वर के लिए। सो दिखा रहा है कि भाई नहीं जा रहा है, बाय नाउ का ऑप्शन मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर भी जो है नेक्स्ट पेज में लेके नहीं जा रहा है। अब देखते हैं, 12:30 हो गया है, फिर भी जो मैं बाय नाउ में क्लिक कर दे रहा हूँ फिर भी नेक्स्ट पेज में लेके नहीं जा रहा है। अभी बाय नाउ का ऑप्शन है तो देखता हूँ इस मोबाइल को देता है कि नहीं। तो बहुत स्लो चल रहा है, मेरा तो 4G है फिर भी जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जो है नहीं लेके जा रहा है। ट्राई सम टाइम दिखा रहा है, मतलब अनेबल टू प्रोसेस, प्लीज ट्राई सम टाइम, ऐसे कुछ एक मैसेज आ रहा है। बाय नाउ का ऑप्शन देते हुए भी जो है नहीं दे रहा है, एरर दिखा रहा है, तो भाई ये जो है फेक सेल है, क्योंकि बाय नाउ का ऑप्शन तो दिखा रहा है लेकिन अभी तक जो है इसका मतलब नेक्स्ट पेज में नहीं लेके जा रहा है और समथिंग एरर दिखा रहा है, ओ समथिंग ब्रोक। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा रियलमी नार्जो 10 का जो फ्लैश सेल हुआ, एक तरफ से ये फेक सेल था क्योंकि दो चार ही मोबाइल शायद स्टॉक में आया था, ज़्यादातर भाइयों को ये मोबाइल नहीं मिला होगा, बहुत सारा भाई ने कोशिश भी किया होगा, मैं भी किया है और बाय नाउ का ऑप्शन भी मुझे मिला था लेकिन नेक्स्ट पेज में लेके नहीं गया था। तो ये जो है एक तरह का प्रॉब्लम है, मतलब रियलमी का जो कि मेजर प्रॉब्लम है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेजर प्रॉब्लम कौन सा है, तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वो वीडियो आप बाद में चेकआउट कर लेना। और Realme का जो ऑफिशियल स्टोर है ना, उसमें भी जाकर मैं चेक किया हूं, Realme का C3, Realme 6, 6 Pro, 5, 5i, 5s और भी जितना सारा मोबाइल है, सारे मोबाइल Realme का ऑफिशियल स्टोर में भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो विद प्रूफ में आपको दिखाया Realme कैसा अपना बिजनेस बनाने के लिए जो है छोटा-छोटा सेल ला रहा है, मतलब मार्केटिंग सही रखने के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि मोबाइल तो लॉन्च हो गया लेकिन सेल अगर नहीं लगेगा तो कस्टमर भाग जाएगा, इसीलिए जो है छोटा-छोटा सेल ला रहा है अपना मार्केटिंग को जो है ठीक ठाक रखने के लिए, लेकिन फिर भी जो है उसका मार्केटिंग में एक अलग सा जो है असर दिख रहा है, कस्टमर जो है मोबाइल नहीं खरीद पा रहा है और दूसरा कंपनी को मोबाइल खरीदने के लिए जा रहा है। और इस जगह पे अगर जो है Redmi अपना Redmi 9 सीरीज को लॉन्च कर देता है और सेल में मोबाइल स्टॉक में आता है बहुत सारा मोबाइल, तो Realme C3 या फिर Realme Narzo 10 ये या फिर Realme Narzo 10 को छोड़ के Redmi 9 सीरीज को और जाएगा, क्योंकि मोबाइल हर किसी को जो है जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने का कोशिश किया हूँ कि Realme अपना मार्केटिंग करने के लिए जो है छोटा छोटा फ्लैश सेल लाता है, बाकी सारे सेल जो है फेक होता है, ज़्यादातर फेक ही कहा जाएगा क्योंकि मोबाइल स्टॉक में रहता ही नहीं है, और ये जो है एक मेजर प्रॉब्लम है। आई बटन में जो लिंक है वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अभी फिलहाल जो है Realme का कोई भी स्मार्टफोन जो है स्टॉक में आपको नहीं मिलने वाला है, अगले कुछ दिनों तक आपको नहीं मिलेगा। तो यार, ये था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि
कि रियलमी का कौन सा मोबाइल आप खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप चाहें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो से जाने से पहले अगर आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं और आप चाहें तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि आने वाला ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यार मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।